हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मीटू पत्र, आईटीटी कटक से हूँ और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे वीविंग कैलकुलेशन के रिलेटेड है और ये भी मेन पॉइंट है वीविंग रिलेशन में। तो कवर फैक्टर, उसका नाम क्या है? कवर फैक्टर। तो ये कवर फैक्टर के ऊपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक पॉइंट को अच्छा से समझ लेना और स्किप मत कीजिएगा। स्किप करोगे तो हो सकता है कहीं डाउट क्लियर नहीं होगी, इसलिए हर एक पॉइंट को देखते रहना। अच्छा से वीडियो देखना है और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करता रहूँगा, सभी के पास ये नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो ठीक है, डायरेक्ट चलते टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है कवर फैक्टर। ठीक है, आपको यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिए और टोटल देखते रहिएगा। थैंक यू। ओके, चलते हैं। ओके, कवर फैक्टर। तो आज का टॉपिक है कवर फैक्टर। तो कवर फैक्टर का डेफिनेशन क्या है और इससे क्या फ़ायदा पड़ता है और इसको निकालते कैसे, इस चीज़ के ऊपर आज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो कवर फैक्टर का डेफिनेशन पहले मैं लिख दे रहा हूँ। कवर फैक्टर का डेफिनेशन है, इट इज़ द एरिया ऑफ एक्सटेंट एक्सटेंट बाय बोथ वार्प एंड वेफ्ट यार्न इन फैब्रिक। इट इज़ द एरिया ऑफ एक्सटेंट बाय बोथ वार्प एंड वेफ्ट इन फैब्रिक। तो इट इज़ द एरिया, जो कवर फैक्टर है वार्प और वेफ्ट में, इट इज़ द एरिया ऑफ एक्सटेंट बाय बोथ वार्प एंड वेफ्ट यार्न इन फैब्रिक। तो फैब्रिक में वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट में फैब्रिक बनता है। तो वार्प और वेफ्ट जो हमारे इंटरलेसमेंट होता है, तो जो कपड़ा का स्पेस मतलब एरिया बनाता है, तो वो तो कपड़े का एरिया ही बनाता है। बाकी क्या है उसमें, रियल में देखा जाए तो वार्प और वेफ्ट जब इंटरलेसमेंट होता है तो उनके बीच में कुछ एयर स्पेस बनता है, जैसे कि इसमें एयर पास होने का होने के मतलब हो सकता है, और या तो लाइट पास भी हो सकता है, इसलिए एयर गैप बनता है। और वो क्या, फैब्रिक पूरा फैब्रिक के एरिया में वही आता है। जब वार्प और वेफ्ट का उसको सिर्फ वार्प और वेफ्ट का डिस्क्राइब करें तो ठीक है, या उसको पास पास में सटा के रखें तो वो कुछ कम एरिया कवर करेगा, क्योंकि वार्प जो कपड़ा बनता है वार्प इंटरलेसमेंट और वेफ्ट का इंटरलेसमेंट, वार्प और वेफ्ट का इंटरलेसमेंट में, तो वो क्या पूरा फैब्रिक का कवर ले रहा है। बाकी क्या है इसमें, वार्प और वेफ्ट जो बिना इंटरलेसमेंट थोड़ा गैप बनता है, वो गैप का छोड़ के सिर्फ वार्प और वेफ्ट का धागा कितना कवर कर रहा है वो एरिया में। टोटल कपड़ा जो है, जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया, ये टोटल एक कपड़ा है और इसमें वार्प का है धागा और वेफ्ट का भी धागा है, और वार्प और वेफ्ट जब इंटरलेसमेंट होता है बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एयर स्पेस रह जाता है। तो इसके चक्कर में ये ईपीआई और पीपीआई के हिसाब से पर इंच में कितना इंच लगाना है और पर इंच में कितना पीक लगेगा, इसके हिसाब से कपड़े का कंस्ट्रक्शन पहले से प्री प्लान हो जाता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके ये कपड़े का कपड़ा बनता है। और ये पूरा एरिया में सपोज एंड्स ईपीआई के हिसाब से है और पीक पीपीआई के हिसाब से है, तो ये टोटल एरिया इतना बना कपड़े के, और उसमें जो सिंगल सिंगल एंड हो या तो पीक हो उसका अगर सटा सटा के रखेंगे तो वो एरिया इतना नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में इंटरलास्ट के टाइम एयर पेस बना रहता है। तो इस चक्कर में इसको सटा सटा के रखेंगे तो, जैसे कि वार्प निकाल दिया उसमें से, इसको सटा सटा के रखा, वेफ्ट को भी सटा सटा के रखा, ठीक है ना। तो सपोज वार्प को इसके साथ एक दूसरे के साथ सटा सटा के रखा, वेफ्ट को एक साथ एक दूसरे से सटा सटा के रखा, तो मान लो ये टोटल एंड्स को निकाल दिया सटा सटा के रखा, और टोटल पीक को भी निकाल दिया सटा के रखा, और ये एरिया कवर किया कितना, ये वार्प का एरिया है, ये वेफ्ट का एरिया है, यानी कि ये धागे का एरिया रियल में इतना है, पर ये कपड़ा का ये एरिया में ये इतने जितने भी धागे एंड और पीक था, ये टोटल इतने पूरे कपड़े के एरिया में था। तो पूरे कपड़े का एरिया हो गया ये, और इसमें से इंटरलेस के टाइम ये टोटल एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूशन होकर था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ईपीआई और पीपीआई के ऊपर। जब इसको निकाल के
मैंने क्या किया उसका सेटा सेटा के पास पास में रखा, तो वार्प का इतना एरिया आ गया, वेफ्ट का इतना एरिया आ गया, यानी कि दो सेट का धागा जो है वार्प और वेफ्ट का टोटल धागा इतना कवर कर रहा है। तो बाकी ये वाला हिस्सा जो है एयर गैप के हिसाब से वो फ्री रह जाता है। तो ये टोटल फैब्रिक का एरिया में से धागे का एरिया ये है। तो ये वार्प और वेफ्ट का जो एरिया कितना एक्सटेंड हुआ है, किसमें से कपड़े के एरिया के हिसाब से ये कितना एक्सटेंड हो रहा है, ये कितना फैब्रिक कवर ले रहा है, मतलब ये कितना पोर्शन टोटल फैब्रिक का एक साइज़ का फैब्रिक लिए उसमें इस साइज़ के कपड़े में से ये धागे के वजह से कितना एरिया कवर हो रहा है, या तो कितना एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस इज़ द कवर फैक्टर। तो कवर फैक्टर को मैं अभी मैथमेटिकली बता रहा हूँ, तो ये फैब्रिक डायग्राम को देखते रहिएगा अच्छे नज़र से, नज़र मारिए एक बार। तो इसके ऊपर मैं मैथमेटिकली उसका डेरिवेशन करना है, कैसे इसके फॉर्मूला निकला है और ये एक्चुअली क्या चीज़ है। एक बात और भी बताने जाऊंगा, तो कवर फैक्टर में क्या है, अगर बाय चांस कपड़े का कवर फैक्टर ज़्यादा रहता है तो धागा के आपस में थोड़ा गैप कम रहता है, गैप कम बनता है। जब गैप कम बनता है तो कपड़ा थोड़ा कम्पैक्ट बनता है, और गैप थोड़ा ज़्यादा रहता है या तो हल्के कपड़े हो लाइट कपड़ा तो उसमें क्या है लूज बनता है कपड़ा। तो अगर कवर फैक्टर ज़्यादा होगा लूम के जब चलेगी मशीन लूम में, तो वहाँ पे जो कपड़ा चलेगी वहाँ पे इंटरलॉक के टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइटली बनेगा कपड़ा, और या तो कवर फैक्टर कम है तो लूज बनेगा, ये चीज़ है। तो कवर फैक्टर के ऊपर ये बेसिक आइडिया, अभी मैथमेटिकली इसको डिराइव कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अच्छा से देखिएगा। तो ये डायग्राम को एक बार देखिए, यहाँ पे मैं वन बाई वन का ये कपड़े का सैंपल लिया हूँ, जिसमें तीन पीक दिखाया हूँ और लेंथ वाइज एक दो तीन चार चार वार्प दिखाया हूँ। तो यहाँ पे वेब टॉप है, वेब डाउन, फिर वेब टॉप, फिर ऑफ था, यहाँ पे वेब डाउन, यहाँ पे डाउन था वेब, यहाँ पे वेब टॉप, यहाँ पे वेब टॉप था, यहाँ पे वेब डाउन, यानी वन बाई वन डाउन का ये प्लेन वाला के कपड़े का दिखाया हूँ डायग्राम, सिंगल सिंगल धागे को लेके, वार्प का ये चार धागा, वेफ्ट का तीन धागा। तो इससे हमें कैसे निकालेंगे कवर फैक्टर, तो मैं बोला था तो धागा जैसे कि ये एक वार्प धागा है, और हो सकता है वो ईपीआई के हिसाब से इंटरलॉसमेंट होता है और पीपीआई के हिसाब से पीक इंटरलॉसमेंट होता है, पर उसको मैं थोड़ा सा पर्सन लिया हूँ बस इसको दिखाने के लिए कि कवर फैक्टर एक दूसरे के बीच में कितना गैप बन रहा है। एक ही वार्प ये हो गया, एक ही वार्प ये हो गया, ये दोनों के बीच इतना गैप बने, फिर दूसरे में इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है ईपीआई के हिसाब से। अगर 120 धागा ईपीआई में है पर इंच में, तो पर इंच का टोटल जितना एरिया है, मतलब जितना दूरी है इस एरिया में, 120 धागा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर कपड़े में इंटरलॉसमेंट होता है। तो वही चीज़ है, उसका छोटा सा पोर्शन लिया हूँ, तो उसमें वार्प का डायमीटर हो गया, वार्प यानी का डायमीटर D1, और एक वार्प यहाँ लगा है, दूसरी वार्प यहाँ लगा है, तो इस वार्प से लेके दूसरी वार्प में इतना एरिया कवर कर रहा है, फिर ये वार्प जहाँ लगता है फिर स्टार्ट हो जाता है ये दूसरी वार्प, तो एक वार्प ये लगा, बीच में गैप बना इतना, फिर दूसरे वार्प स्टार्ट हुआ, तो ये सिंगल एरिया हुआ जो एक वार्प का जगह ले रहा है, एक वार्प के लिए इतना जगह ऑक्यूपाई हो रहा है कपड़े के अंदर। तो एक वार्प का डायमीटर कितना है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को मान लो P1 ले लिया मैंने, यहाँ साफ नहीं दिख रहा होगा, एक बार और बढ़िया से लिख लेता हूँ, P1 डिस्टेंस में ये कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे कि ये धागा है तो धागे का जो थिकनेस है या तो उसका डायमीटर है उतना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है, टोटल इतना डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहा है, टोटल कितने डिस्टेंस में, P1 डिस्टेंस में, यानी कि एक धागा और दूसरे धागा का बीच वाला जो गैप, एक धागा यहाँ पे वार्प का, फिर वार्प का दूसरे वार्प आया यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये एक सिंगल सिंगल डिस्टेंस के अंदर कितना, मतलब एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितना वो वार्प वाला धागे की वजह से कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये एरिया रहा, उसका रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कवर, यानी कि फ्रैक्शनल कवर बोलते हैं, रिलेटिव कवर बोलते हैं। तो इस डिस्टेंस में इतना ले रहा है, तो रिलेटिव कवर वार्प का, ये वार्प का होगा, फिर वैसे ही वेफ्ट का क्या है, ये वेफ्ट एक लगा यहाँ पे, वेफ्ट ये पिक लगा है और एक दूसरे का पिक, ये पिक क्या है, मान लो 60 पिक का कपड़ा है, तो
ये जो एक इंच में 60 पीक लगा है, तो एक इंच का डिस्टेंस है 60 पीक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब इंटरलेसमेंट उसके अंदर इसी हिसाब से होता रहता है। तो क्या है कि एक पीक या दूसरे पीक का डिस्टेंस कितना है, इतना एक पीक यहाँ लगा फिर दूसरे पीक लगा यहाँ, तो ये जो यूनिट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ इतना गैप रहता है टोटल डिस्टेंस कपड़े में, और इस गैप में धागे के वजह से इतना ऑक्यूपाई हुआ पीक वाला जो धागा है वेफ्ट के धागे के चक्कर में इतना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ और डिस्टेंस था इतना, पर हर एक सिंगल पीक के लिए डिस्टेंस था इतना और इसमें इतना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका भी वेफ्ट कवर निकलेगा इस डिस्टेंस को डिवाइड करके इस डिस्टेंस, रिलेटिव कवर बोलते हैं। तो वार्प का मैं बताया, वार्प का डायमीटर सिंगल एंड का डायमीटर, डायमीटर के लिए एक फार्मूला है, प्रीसाइस फार्मूला से एक याद रखना पड़ेगा, 1/28 स्क्वायर रूट ऑफ एन डायमीटर ऑफ यार्न, एन इज द काउंटिंग सिस्टम इन इंग्लिश सिस्टम का जो काउंट होता है वो होता है वार्प का निकालो तो वार्प काउंट, वेफ्ट का निकालो तो वेफ्ट काउंट, ये है फार्मूला, d इज इक्वल टू 1/28 स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो इस हिसाब से अभी वार्प का रिलेटिव कवर कितना आएगा, वार्प का रिलेटिव कवर मान लो रिलेटिव कवर कितना आएगा, ये छोटा सा थिकनेस कितना है वार्प का, d1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस हो गया p1, ठीक है। तो यहाँ पे ये d1 तो इसे धागे का थिकनेस के या तो डायमीटर के वजह से ये d1 इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे और 1/p1 कितना होगा, ये जो डिस्टेंस एक्चुअली कितना होगा, मैं पहले बताया था वार्प का जो धागा है EPI के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर इंच में, और पीक वाला धागा है PPI के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मतलब यूनिट एरिया में। तो क्या है, ये जो है एक धागा का ये आया डायमीटर और ये दूरी कितना है, ये दूरी वही होगा जैसे कि मान के चलो ये सिंगल यूनिट मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये इतना एरिया मिला के ये एक इंच हुआ है, जैसे कि 100 EPI है और ये सारा धागा एक इंच के अंदर है, तो एक इंच टोटल स्पेस है और उसमें 100 धागा रखना है, तो हर स्पेस का कितना होगा 1/100, यानी पूरा इंच का 100 कर देंगे तो छोटा छोटा पोर्शन आएगा, उसमें एक सिंगल वार्प इतना ऑक्यूपाई करेगी, उतने डिस्टेंस में ही रहेगी या तो ऑक्यूपाई करता है, तो वो ये डिस्टेंस को कितना कहेंगे, 100 धागा रहा एक इंच में, एक धागा रहेगा 1/100 इंच में, तो एक धागा का कितना जगह रहा 1/100 इंच का ये डिस्टेंस है एक धागे का, एक यहाँ से लेके एक ये इतना धागा, फिर यहाँ से ये दूसरा धागा इसमें रहेगा, तो ये इक्वली डिस्टेंस है, एक 100 1 इंच का 100 भाग दे देंगे 1/100, यानी कि ये डिस्टेंस निकला यहाँ से, और ये 1/100 यहाँ पे भी 1/100 यहाँ पे भी, ऐसे करके 100 धागा रहा है एक इंच के अंदर। तो पी वाले को 1/100 को लेता हूँ, तो यहाँ पे EPI था, ये EPI को एन में डिनोट करता है, एन को 1/N इज इक्वल टू p1, तो यहाँ पे d1 1/28 अंडर रूट n इंटू 1/p1, 1/p1 कितना था 1/n जो EPI, सो ये क्या हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा ना 1/n, क्योंकि 100 का धागा एक इंच में, तो EPI ये है, एक धागा कितना धागा का ऑक्यूपाई करेगा 1/100, 1/ इतना एक धागे का डिस्टेंस ये आएगा कि इतना एरिया में ही वो रुका मतलब धागा इंटरलेसमेंट हुआ है, तो एक धागा जो कवर किया है इतना डिस्टेंस लिया है उसमें से धागे के वजह से इतना और गैप एयर गैप हुआ इतना, तो एक यूनिट डिस्टेंस कितना, एक धागे के वजह से कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो कपड़े में कितना डिस्टेंस चाहिए उसको, या तो लिया है कितना डिस्टेंस, वही है 1/EPI 1/N, सो 1/N इज इक्वल टू एन ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 28 अंडर रूट एन, ठीक है, n/28 अंडर रूट एन रिलेटिव कवर, और उसको 28 में गुणा कर देंगे तो वार कवर आएगा, तो वार कवर इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई रिलेटिव कवर, एन
स्क्वायर रूट एन 28 कट, तो वार कवर आ गया एन बाई अंडर रूट एन, ठीक है ना, वार कवर एन बाई अंडर रूट एन, ये याद रखना है। वार कवर मान लो के वन बोलते हैं इसको, एन बाई यानी कि पीआई बाई अंडर रूट वार्प का काउंट, ठीक है, ये वार्प का वार्प कवर फैक्टर, और वेफ्ट का वैसे ही निकलेगा पिक के पीपीआई के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पर इंच के हिसाब से, जितना पिक लगा है, ठीक है ना, जितना पिक लगा है सारा पिक, मान लो 60 पिक का कपड़ा है तो हर एक इंच में 60 पिक है तो हर इंच को 60 भाग में कर देंगे तो एक धागा जो लगा है और उसका एयर गैप के समेत ये इतना स्पेस एक धागे के लिए मतलब ये बनता है तो कितना होगा, वही है इसका डायमीटर वेफ्ट का रिलेटिव कवर कितना होगा, रिलेटिव कवर वेफ्ट का, तो एक धागा इतना जगह ले रहा है, ये टोटल जगह हो गया पी टू, यहाँ से लेके एक एक पिक के दूसरे पिक का दूरी पी टू, तो पिक का डाया है डी टू, तो डी टू ठीक मतलब इतना डिस्टेंस लिया, टोटल डिस्टेंस था पी टू, डी टू आ गया 1/28, चलो वेफ्ट के काउंट में एन टू करके नाम लेते हैं, ये एन वन पी पी आई को एन वन ले लेते, डबल डबल है तो एन वन जितना भी वन वर्फ के लिए जितना भी वेफ्ट टू उतना वेफ्ट के लिए, तो 1/28 इंटू 1/P2 पी स्क्वायर नहीं पी टू, तो यहाँ पे देख लीजिए वैसे ही टोटल मान लो पीक पी आई जितना है, ठीक है ना, 60 पीक है मान लो, और 60 पीक लिया है एक इंच में, तो एक पीक का धागा कितना एरिया लेगा, वो कितना डिस्टेंस लेगा, कितना लेगा, एक इंच में 60 है, 60 धागा यानी कि एक इंच, एक धागा इज इक्वल टू एक इंच बाई 60 यानी कि 1/60 इज तो पी पी आई, 1/PPI, तो P ये जो दूरी है 1/PPI है, तो PPI को हमने N2 लिया है 1/N2, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा N2/28√N2, ये आ गया रिलेटिव कवर ऑफ वेफ्ट, तो इसको वेफ्ट कवर में निकालने के लिए 28 गुणा करना है, तो वेफ्ट कवर इज इक्वल टू 28N2/28√N2 इक्वल टू कट कट N2/N2 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ N2, तो PPI ये हो गया और वेफ्ट काउंट ये हो गया, उसका स्क्वायर लिया गया है तो वेफ्ट कवर आया, वो भी नोट कर लेते हैं ऊपर, ये बाद में जब डिराइव होगा ना फॉर्मूला उसमें जरूरत पड़ेगी। K2 वेफ्ट कवर फैक्टर इज इक्वल टू N2/PPI/√PPI ये वेफ्ट काउंट इसके N2। तो क्लॉथ कवर क्या है, अभी क्लॉथ कवर निकालना है, क्लॉथ कवर निकालने का मतलब आप तो बोलोगे कि वार्प का धागा इतना कवर ले लिया, वेफ्ट का धागा तो इतना कवर ले लिया, ये दोनों पता लग गया तो हमने बोले थे कि धागे के वजह से कितना कवर हो रहा है और डिवाइडेड जो एरिया का यूनिट मतलब यूनिट डिस्टेंस जितना भी साइज का लिए हैं उस यूनिट एरिया में कितना है, ये टोटल वार्प और वार्प का कवर फैक्टर इतना, वेफ्ट का कवर फैक्टर इतना आया, तो ये दोनों धागे ने इतना ही कवर ले लिए, एरिया ऑक्यूपाई कर लिए, बाकी ये जो यूनिट साइज यूनिट एरिया लिए हैं ये टोटल में से ये लिए, बाकी ये जो वार्प कवर फैक्टर देखिए यहाँ पे अच्छा से एक बार, वार्प वाला धागा मान लो यहाँ से अपने यहाँ एक पीक यहाँ लगा, फिर कहाँ तक, यहाँ से लिया यहाँ तक, ये तो आगे वाला पीक स्टार्ट हो जाता, तो ये सिंगल डायमेंशन यहाँ से हुआ ये वाला, फिर अपने ये एक वार्प है दूसरा वही है, तो ये से पहले वाला यहाँ यानी कि ये एक बना ना कुछ रेक्टेंगल टाइप का बना है, तो इसमें क्या है वार्प वाला धागा ये हो गया वार्प कवर फैक्टर, वेफ्ट कवर फैक्टर में इतना आया इतना एरिया लिया, पर जब इसको ये लेते हैं ना टोटल धागे की वजह से कितना कवर हो रहा है, ये प्लस ये, पर ये दो बार हो रहा है,
ठीक है ना, उसको माइनस करेंगे ये इसके साथ। जब वार कवर फैक्टर लेते तो ये एरिया भी छोटा वाला एरिया आता है, बेड कवर फैक्टर लेते तो वो भी छोटा वाला एरिया आता है, तो उसको दो बार मतलब दो बार में आ जाता है, तो उसको सिंगल माइनस कर देंगे तो एक आएगा। उसको एक बार बढ़िया से दिखा रहा हूँ यहाँ पे भी, ये वार्फ का है, एक वार्फ के वजह से हुआ कितना एरिया, और वेफ्ट वेफ्ट में ऐसे। तो ये वाला जो छोटा वाला एरिया है ये डबल हो रहा है, वार कवर फैक्टर में भी है ये, वेफ्ट कवर फैक्टर में है ये। इसको क्या करेंगे, और टोटल एरिया कपड़े का था जो साइज जितना छोटा सा एरिया लिए थे ये, और ये हो गया अपना एयर गैप वाला। तो वार कवर फैक्टर अभी बोल रहा है ये, वेफ्ट कवर फैक्टर बोल रहा है ये, पर क्लॉथ कवर फैक्टर हमने क्या किए थे, क्लॉथ कवर फैक्टर को हमने बोला था कि धागे की वजह से कितना एरिया ले रहा है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और टोटल एरिया कितना है। अब ये टोटल ये यहाँ से इतना दूरी एक धागे से लेके दूसरे धागा इसके आगे लगा है, यानी कि यहाँ से इतना कितना पी वन, और इस पीक से दूसरे पीक का डिस्टेंस पी टू, और ये वार्प यान है, वार्प का डाया डी वन, वेफ्ट का डाया, हाँ ये वार्प का वेफ्ट का डाया ये वाला कितना होगा डी टू, ये वार्प का डाया ये वेफ्ट का डाया, ठीक है। तो अभी ये टोटल क्लॉथ कवर क्या है कि एरिया कवर्ड बाय यान डिवाइडेड बाय टोटल फैब्रिक एरिया। यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय यान यानी कि ये वार्प यान है ये वेफ्ट यान है, ये जितना कवर कर लिया उसको डिवाइड करेंगे टोटल एरिया में, ठीक है ना। तो एरिया कवर बाय यान कितना होगा, ये एरिया देख लो, ये आया था हमारा इतना, ये एरिया कितना होगा अभी एक बार देखिए ना बढ़िया से, डी वन इंटू डी वन, ये एरिया कितना होगा डी वन इंटू डी वन, इसकी विड्थ आ गया, लेंथ कितना है पी टू, डी वन पी टू प्लस यहाँ पे ये वाला एरिया कितना होगा, इसका विड्थ कितना डी टू और इसके लेंथ हुए पी वन, डी टू पी वन, ठीक है। ये एरिया प्लस ये एरिया, ये एरिया में ये भी आ रहा है, ये एरिया में भी ये भी आ रहा है, दो बार जोड़ रहे हैं, तो इसको एक बार लेना है तो एक माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये छोटे वाला एरिया कितना है डी टू, इसकी डायमेंशन ये डायमेंशन डी वन माइनस डी वन डी टू डिवाइडेड क्या कहता है टोटल ये एरिया कवर बाय यान, मतलब ये एरिया लिखा है यहाँ पर, ये पीक वाला एरिया लिखा है यहाँ पर, ये इस वार वाला एरिया में से ये भी छोटा वाला एरिया आ रहा है और पीक वाले में से भी ये वाला एरिया आ रहा है, तो दो बार नहीं लिखना है, जब दो बार लिखा हूँ तो एक बार माइनस कर देता हूँ, एक एरिया का कितना आएगा डी वन, ये डी टू है, ये वाला डिस्टेंस होगा डी वन डी वन डी टू, तो टोटल फैब्रिक एरिया है कितना, टोटल फैब्रिक ये उसका ये डायमेंशन इस वाला डायमेंशन है पी टू पी वन इंटू पी टू। अभी इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वन पी टू बाई पी वन पी टू प्लस डी टू पी वन बाई पी वन पी टू माइनस डी वन डी टू डिवाइडेड बाई पी वन पी टू। तो यहाँ थोड़ा मिटा लेता हूँ, ऊपर लिखते हैं अभी, तो यहाँ पे हाँ इसको पी टू को पी टू कट करो तो डी वन बाई पी वन प्लस पी वन को पी वन कट करो डी टू बाई पी टू माइनस ये कितना होगा डी वन बाई पी वन इंटू डी टू बाई पी टू, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकला थे डी वन बाई पी वन, डी वन इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी एट अंडर रूट एन इंटू डी वन इतना आया इंटू वन बाई पी वन,
वन बाई पी वन को हमने क्या निकाले थे, वन बाई वन बाई एन यानी एन वन प्लस डी टू कितना है, वन बाई 28 एन वन है या एन टू है, वन बाई पी टू यानी कि एन टू माइनस डी वन पी वन का वैल्यू क्या है, एन वन 28 अंडर रूट एन वन इन टू डी टू कितना है, इन टू डिवाइडेड बाई 28 अंडर रूट इन टू। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, वन बाई ये क्लॉथ कवर निकलेगा, वन बाई 28 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एन वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन वन प्लस एन टू बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन टू माइनस एन वन एन वन एन टू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर ऑफ एन टू और 28 दो से एक गया है, एक यहाँ बाहर। ठीक है ना, ओके। अभी क्या निकाले थे हमने, एन वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन वन कितना है, के वन, तो वन बाई 28 एन वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन वन कितना है, के वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन टू है कितना है, ये के टू वेफ्ट कवर फैक्टर, एन वन बाई अंडर रूट ऑफ एन वन कितना हो गया, के वन इन टू अंडर डिवाइडेड अंडर एन टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना एन टू का, के टू हो गया डिवाइडेड बाई 28, ये आ गया ना। तो ये क्लॉथ कवर आया, पर ये 28 को इलिमिनेट करेंगे तो 28 गुणा करेंगे, 28 गुणा करेंगे तो वो क्लॉथ कवर आ जाएगा। क्लॉथ कवर के सी इज इक्वल टू के वन प्लस के टू माइनस के वन के टू बाई 28। दिस इज़ द लास्ट फार्मूला, जो मेन फार्मूला होता है क्लॉथ कवर फैक्टर की। ठीक है, तो कवर फैक्टर का फार्मूला यही है वा, तो जितना हाई कवर रहेगा तो उसमें क्या कपड़ा हैवी बनता है, टाइट बनता है, जितना कवर फैक्टर कम रहेगा नंबर तो उसका कपड़ा लूज बनेगा, और कवर फैक्टर का कोई ये नहीं रहता क्या यूनिट, इसीलिए बस नंबर है जो हमारा बताता है कि वार्प और वेफ्ट के धागे की वजह से वो कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, तो टोटल कपड़े के एरिया में से टोटल ये एरिया था, इसमें से वार्प धागा वेफ्ट के धागे की वजह से कितना लिया, बाकी ये धागा एयर गैप के चक्कर में ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये वार्प धागा और वेफ्ट धागा इतना एरिया लिया, डिवाइडेड किया हमने टोटल क्लॉथ फैब्रिक को, टोटल फैब्रिक को, तो उसमें क्या है डेटम लास्ट में डिराइव करके ये फॉर्मूला निकाले, क्लॉथ कवर इज इक्वल टू के वन प्लस के टू माइनस के वन के टू डिवाइडेड बाई 28, वेयर के वन इज द वार्प कवर, के टू इज द वेफ्ट कवर। ठीक है, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, और आने वाले वीडियो में यन काउंट के ऊपर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।